मैं डॉक्टर सुमेलता, आज जो है हम अपना बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, उसका जो है फोर्थ यूनिट में हमारा जो इवेल्युएशन का कंसेप्ट है, करिकुलम इवेल्युएशन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे कि जो करिकुलम इवेल्युएशन है वो क्या है, जो और कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, इसकी क्या इसका कंसेप्ट है और क्या इसका महत्व है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो देखो करिकुलम पर हम काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, है ना, और जो प्रत्येक पाठ्यक्रम है वो क्या है, कुछ न कुछ असम्पशंस को लेकर के आता है, कुछ न कुछ उसकी इम्पोर्टेंस रहती है और कुछ न कुछ उसकी फीचर्स भी रहती है ना। तो इन सब चीजों का जो है हमें एक टाइम के बाद क्या करना होता है, इवेल्युएशन भी करना होता है, क्योंकि क्यूरिकुलम की जो प्रोसेस है उसमें जो टीचर है, टीचिंग है, टीचर जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमारा सिलेबस है, उसके अलावा क्या है, जो हमारी सहगामी क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को करने के बाद, क्यूरिकुलम को लागू करने के बाद जो लास्ट स्टेप हमारा आता है वो हमारा आता है इवेल्युएशन से जो जुड़ा होता है, कि हमने वर्ष भर जो है कितना काम किया, किस तरह से हमने बच्चों को पढ़ाया और जो शिक्षा के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कहाँ तक हमने पूरे किए, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को जांच कैसे किया जाए, उसके लिए क्या है हम एक इवेल्युएशन प्रोसेस को अपनाते हैं जो कि करिकुलम इवेल्युएशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब जो कंसेप्ट है इवेल्युएशन का, ये अपने आप में क्या है, एक वाइड कंसेप्ट है, क्योंकि इवेल्युएशन क्या है, बहुत सारे तरीके हैं इवेल्युएशन को करने के, जिसमें कि करिकुलम को लेकर के एट प्रेजेंट हम देखें तो जो इवेल्युएशन है वो एक प्रोसेस की तरह चल रहा है, जिसमें कि हम बच्चे का क्या करते हैं, वर्ष भर ही जो है वो मूल्यांकन करते हैं। अब जैसे कई करिकुलम का जो बेस है, कई जो ऐसे हमारे कोर्सेज हैं जिसमें हमारी सेमेस्टर पद्धति को हमने अपनाया है, तो वहां पर क्या है, वहां पर हर सेमेस्टर के बाद, हर छह महीने के बाद हम पेपर लेते हैं और बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं कि पिछले छह महीने में बच्चे ने जो है वो क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ पढ़ने के साथ साथ क्या जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें अपनी क्या परफॉर्मेंस थी, उसका जो है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर उसका क्या योगदान रहा, कैसे उसकी पर्सनैलिटी है, कैसा जो है उसके व्यवहार के अंदर कितना परिवर्तन आया। टोटली क्या है, जो एजुकेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिसका उद्देश्य क्या है, ऑल आउट डेवलपमेंट करना, चाहे आपका फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे आपका मेंटल एस्पेक्ट है, इसके अलावा चाहे आपका पॉलिटिकल है, सोशल एस्पेक्ट्स है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, आपका वोकेशनल एस्पेक्ट्स है, हर एक जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए क्या है हमारा जो करिकुलम है वो बनाया जाता है। और जब करिकुलम का इवेल्युएशन होता है तो भी क्या है वो हर एस्पेक्ट का ही होता है कि बच्चे ने वर्ष भर में या जो एक सेमेस्टर के अंदर कितना काम उन्होंने किया, और वर्ष के जो अब आपका जब लास्ट जो साल खत्म हो जाता है, जब जो जिस ईयर का कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद लास्ट के फिर जो है वो क्या है हम पुनः इवेल्युएशन करते हैं हर चीज का कि बच्चे की किस समय में क्या परफॉर्मेंस रही और कितना उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो ये कंसेप्ट इवेल्युएशन का रहता है। तो जो कंसेप्ट इवेल्युएशन का है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो एडम्स हुए हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो मूल्यांकन है, ठीक है, उसमें क्या है, कहते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न जो अनुभव होते हैं उनकी उपयोगिता के बारे में निर्णय देना ही क्या है, मूल्यांकन है। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में क्या है, आपका टीचर है, आपका स्टूडेंट है, उसके साथ साथ क्या है, क्यूरिकुलम है। ठीक है, तो जो शिक्षण प्रक्रिया चलेगी क्यूरिकुलम को लेकर के, टीचर, टीचिंग और जो टीचिंग प्रोसेस चलेगी वो, और फिर क्या है आपका लर्निंग, सीखना, सीखने से क्या होते हैं, सीखने और सीखने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज जिनको कर करके हम क्या है अनुभव प्राप्त करते हैं, और उन जो अनुभव जो एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो यूटिलिटी है, उसके बारे में जब हम कुछ निर्णय कर लेते हैं, कुछ जज हम कर लेते हैं कि हमने इन क्रियाओं से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या उपयोगी चीजें सीखी, ये क्या है, ये इवेल्युएशन है, ये मूल्यांकन है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है मूल्यांकन की। इसके बाद अगर हम और भी डेफिनेशन मूल्यांकन की देखें तो एक डेफिनेशन हम और देख सकते हैं, जैसे कि क्यूलेन और हाना के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो मूल्यांकन है वो क्या है, मूल्यांकन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन करने के साक्ष्यों को एकत्रित करने के
करके उनकी व्याख्या की जाती है। यानी कि वर्ष भर में बच्चे ने क्यूरिकुलम को पढ़ते हुए क्यूरिकुलम के साथ अन्य जो है सिलेबस के साथ साथ अन्य क्रियाएं करते हुए जो उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ और उनको व्यवहार में परिवर्तन की जो वार्षिक या मासिक जो प्रगति की रिपोर्ट प्रोग्रेस की हम बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, वो इवैल्यूएशन के थ्रू बनाते हैं और एक्चुअली में वही क्या है आपका इवैल्यूएशन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर विशेषताओं की हम बात करते हैं और एक डायग्राम जो है वो उसके जरिए मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो मूल्यांकन है हमारा वो किस तरह की प्रोसेस है। ये कंसेप्ट के अंदर ही हम इसको डाल सकते हैं कि देखिए जो हमारा इवैल्यूएशन है ये जो है हम इसको एक ट्रायंगल के रूप में देख सकते हैं, एक त्रिकोणीय प्रक्रिया के रूप में हम इसको देखते हैं जिसमें क्या है आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आएंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर रहेंगे और उसके साथ साथ क्या है आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या अधिगम अनुभव हैं जिनको क्या है हम साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें शामिल होते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। और थर्डली जो इवैल्यूएशन है वो क्या है वो एक साध्य के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो ये जो तीन टाइप तीन जो क्या कहते हैं कि मूल्यांकन एक क्या है एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव और फिर जो मूल्यांकन, ये तीन जो है वो क्या है वो केंद्र बिंदु माने गए हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या है ये त्रिकोणीय प्रोसेस मानी गई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फीचर्स की, जो मेन फीचर्स हैं इवैल्यूएशन की वो क्या हो सकती हैं, किन फीचर्स को लेकर के हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम थोड़ा सा इसके उद्देश्य के बारे में भी देखें तो उद्देश्य क्या होंगे इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है उसका उद्देश्य क्या होगा। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, तो शिक्षा के इन उद्देश्यों को परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में जितना परिवर्तन हुआ उन व्यवहार के किस एस्पेक्ट में कितना परिवर्तन हुआ ये जांच करना क्या है ये हमारा जो उद्देश्य है माना जाता है। ठीक है, अब सामान्य जो मुख्य उद्देश्य है उनमें से क्या है बच्चे का और जो इवैल्यूएशन है वो न केवल बच्चे से जुड़ा होता है बल्कि जो बच्चे के जो शिक्षक हैं जो उसको पढ़ाने वाले हैं जो उसके पेरेंट्स हैं उनका भी इवैल्यूएशन में बड़ा योगदान रहता है। तो उनके साथ साथ उनकी जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा की जाने वाली उनमें जो परिवर्तन किया जाता है उसको भी हम इसका जज करना हमारा उद्देश्य रहता है क्योंकि जो टीचिंग के जो प्रोसेस है जो बच्चा सीखता है उसमें पेरेंट्स का भी इतना ही रोल रहता है और अध्यापक का भी इतना ही रोल रहता है। तो उनके द्वारा जो उनके बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है उसकी भी जांच इसमें हम करेंगे। और उसके साथ ही साथ क्या है जो मूल्यांकन है वो क्या है जो शिक्षक वर्ष भर क्या करते हैं जब किसी भी क्यूरिकुलम को लागू करते हैं तो उसके लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए, तो वो योजनाएं कौन कौन सी हैं और उन योजनाओं के द्वारा क्या क्या जो है वो चेंजिंग आए क्या क्या परिवर्तन आए ये भी जांच करना किसका उद्देश्य है ये भी क्यूरिकुलम का उद्देश्य है। उसके साथ साथ क्या है जो मूल्यांकन है शिक्षकों और छात्रों का जो स्वयं का विकास है उसको विकास करने में भी सहायता करता है और साथ ही साथ क्या है शिक्षक की कितना योग्य है कितना कुशल है छात्र के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं छात्र की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं किन किन फील्ड के अंदर जो है वो उसके अचीवमेंट्स हाई हैं कहाँ पर बच्चा जो है वो प्रोग्रेस में वीक है। ठीक है, ये चीजें भी हम ये भी क्या है ये भी जांच करना इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव माना जाता है। इसके साथ साथ क्या है जो मूल्यांकन है वो छात्रों को अध्ययन करने की जो उसकी आदतें हैं और जो डेवलपमेंट से पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बच्चे की जो आदतें हैं उनका भी जो जज है वो जजिंग है वो हम किस में करते हैं उसको जज करना भी हमारा क्या है इवैल्यूएशन का उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट अब देखिए अब हम बात करते हैं ये हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं अभी वर्बली, अब हम बात करते हैं फीचर्स की कि जो इवैल्यूएशन है उसके मेन मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं कौन कौन सी विशेषताओं को लेकर के जो है वो इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी कि जो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो क्या है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि बच्चा क्या है सारा साल जो है वो क्यूरिकुलम को लेकर के काम करता है और निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें आपका वीकली भी हो जाता है त्रैमासिक भी हो जाता है छमाही परीक्षाएं भी शामिल है और वार्षिक परीक्षाएं भी शामिल है। ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली भी इसके अंदर पाई जाती है और इसके साथ साथ क्या है आपका जो वर्ष भर का जो काम है उसका भी जो है चलता इसमें
रहता है। ठीक है, तो तरीका इवेल्युएशन का कोई भी हो सकता है, हमारी परीक्षा प्रणाली का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है क्या, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड हम इसमें बात करते हैं व्यापकता की। व्यापकता क्या है, ब्रॉडनेस, कि जो हमारा क्यूरिकुलम है उसका जो हम क्या करते हैं उसको व्यापक स्तर पर हम इवेल्युएशन करते हैं। जब हम उसको लागू करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी योजनाएं हम जोड़ते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स और उसके अंदर जुड़ जाते हैं, कि एक काम को, किसी भी काम को एक तो थ्योरी के रूप में उसको लिख करके देना, और दूसरा जब हम उसको व्यवहार के रूप में, जब उसमें व्यवहारिक रूप से जब उन चीजों को लागू करते हैं तो वो क्या है, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा इवेल्युएशन है उसके अंदर भी क्या है, हम क्योंकि हर एस्पेक्ट्स को जांच करने की बात करते हैं, बच्चे के सर्वांगीण एस्पेक्ट्स की विकास की बात करते हैं, तो जो हर एक एस्पेक्ट उससे जुड़ा जाता है, तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा व्यापकता पर आधारित हो जाता है। थर्डली हम बात करते हैं इसके अंदर कि केवल जो है वो कक्षा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम क्यूरिकुलम की बात करते हैं तो कक्षा तक क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, जो एक तो आपका हो गया सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ आपकी जो अदर क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सारी अलग अलग हैं। तो जो कक्षा से बाहर जो हम एक अध्यापक बच्चे को सिखाता है, एक बच्चे को विभिन्न क्रियाओं से जो अनुभव प्रदान करता है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। जैसे हम देखते भी हैं कि हमारे स्कूल हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अनेक तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अनेक तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पोर्ट्स मीट्स आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कल्चरल इवेंट्स भी बच्चों को करवाई जाती है, बहुत सारा उनके मतलब की क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, उनको बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स भी उनको दिए जाते हैं, तो बहुत कुछ उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है ना। तो ये क्या है, ये केवल जो कक्षा तक ही या सिर्फ शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इससे क्या होगा, इससे जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें सुधार होता है। ठीक है, सुधार किस तरह से होता है, कि जो एक बार हमने मान लो क्यूरिकुलम बनाया, क्यूरिकुलम को लागू किया, इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर दी, लेकिन जब हमने इवेल्युएशन उसकी किया तो क्या क्या उसके अंदर कमियां रही, बच्चे के जो विकास है उसमें कहां आपको प्रॉब्लम लगी, और जो हमारे शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हैं वो कहां जो है वो कम पूरे हुए, जो हमने टारगेट बनाया उद्देश्य को पूरा करने का, और इन बिटवीन क्या कमियां वहां पर रह गई, इसमें सुधार जो है हम इवेल्युएशन से ही कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं हम, फिर इसको जो है रीडिजाइन करते हैं क्यूरिकुलम को, रीप्रोटोटाइप डिजाइन जैसे मैंने करवाया था इससे पहले, तो उस तरह से जो है इस प्रक्रिया में क्या है, सुधार किया जा सकता है और दोबारा एक नए क्यूरिकुलम के साथ इसको बनाया जा सकता है। फिर है शिक्षा के सभी साधनों से संबंधित, कि जो आपका क्यूरिकुलम है वो क्या है, न केवल शिक्षा बल्कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी संसाधन है उन सभी से जुड़ा रहता है क्यूरिकुलम हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके टीचिंग मेथड्स भी आ गई, आपका सिलेबस भी आ गया, आपकी बुक्स भी आ गई, अध्यापक भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, वातावरण भी आ गया, सारा कुछ, दो दो चीजें शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करती हैं वो सभी क्या है, वो भी हम इवेल्युएट करते हैं कि किस कारणवश जो हमारी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव है वो हमने कहाँ तक पूरे किए। ठीक है, इसमें आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी रहता है, बच्चे के मेंटल लेवल का भी रहता है, तो ये एज ग्रुप है या अवस्थाएं हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने बच्चे को पढ़ाना है, ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो शिक्षा के अलावा भी क्या है, हमारे इवेल्युएशन के अंदर माने जाते हैं या पाए जाते हैं। अब देखिए, ये तो था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन। अब हम बात करते हैं कि जो मूल्यांकन है इसकी उपयोगिता क्या है या इसके कार्य कौन कौन से हैं। मूल्यांकन के कार्य, कार्य सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखिए कार्यों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं उनका परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना, अचीवमेंट्स क्या हैं, जो बच्चे ने सीखा, जितना गेट किया, चाहे वो उनका एकेडमिक है, ठीक है, चाहे उनका स्कोर है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, जो कुछ उन्होंने सीखा वो सारी चीजें आपकी उपलब्धि के अंदर आएगी, या इसके अलावा भी आपने जो कुछ अचीव किया वो आपके अचीवमेंट में आएगा। तो जो विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना भी क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य
माना जाता है इवैल्यूएशन का। सेकंड हम कहेंगे कि व्यक्ति के विकास में जो सहायक चीजें हैं विद्यार्थियों की, उनकी जांच करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व से संबंधित व्यक्तित्व या व्यक्तित्व की जांच करना, इसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। हम इवैल्यूएशन से ही जांच कर सकते हैं उसमें कि कितना मॉडिफिकेशन आया, बच्चे का इंटरव्यू बिहेवियर क्या था, जो टर्मिनल बिहेवियर है बच्चे का वो क्या है, और इन बिटवीन उसमें कितना चेंजिंग आया है ना, तो ये चीजें। और उसके साथ साथ क्या है जो शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु जो है बहुत सारे फैक्टर्स हमारे रहते हैं, तो किन किन विधियों का प्रयोग हमने किया सफलता प्राप्त करने के लिए, उन चीजों को भी क्या है वो भी इसका कार्य है कि जांच करें कि हम किन फैक्टर्स से जो है वो कौन कौन से ऐसी जो चीजें हैं जो कि बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में सफल बनाती हैं, तो उन चीजों का इवैल्यूएशन करना भी क्या है इसका कार्य है। नेक्स्ट इसका कार्य है लक्ष्यों को स्पष्ट करना, लक्ष्यों को स्पष्ट करना किसी भी काम को करने से पहले, स्टूडेंट्स करिकुलम को बनाने से पहले उसके क्या है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हम जो इवैल्यूएशन का कार्य क्या है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए वो कहाँ तक हम पूरे कर पाए हैं, कहाँ तक हम उनको पूरा कर पाएंगे, इन चीजों को स्पष्ट करना भी क्या है इवैल्यूएशन का उद्देश्य माना जाता है। फिर है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक कि जो बच्चे हैं उनको क्लासिफिकेशन करना बच्चों का, उसमें भी क्या है उसमें भी जो है वो मूल्यांकन का बहुत अधिक योगदान रहता है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, इसमें भी क्या है आपकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बहुत अधिक अपना रोल प्ले करती है कि बच्चा हमारा जो है वो किस कैटेगरी का है, एवरेज बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, या लो द एवरेज है, या फिर एक्सीलेंट है, ठीक है, बच्चा किस कैटेगरी के अंदर है, बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, इस बात की अगर हमें जांच करनी हो, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन होती है और तो नॉर्मल जो एजुकेशन का स्वरूप हमारा रहता है नॉर्मल क्लासेस के अंदर, तो उनके लिए क्या है उनके लिए नॉर्मल क्लासेस ही हमारी रहती हैं, तो ये हम जांच कैसे करेंगे इवैल्यूएशन से जांच करेंगे। अगर बच्चे के अंदर कोई फिजिकल जो है वो भी डिस्फॉर्मेटी जिसको कहेंगे कि अगर कोई विकार है बच्चे के अंदर, कोई प्रॉब्लम उसको है, तो हम उसकी जांच कैसे करेंगे, उसको अगर प्रॉपर नीड है, केयर की नीड है, तो भी वो हम इवैल्यूएशन से उसकी जांच करेंगे कि बच्चे का कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा पक्ष जो है वो कमजोर है। तो इसमें क्या है हमारा जो इवैल्यूएशन है हमारी काफी मदद करता है और बच्चे की काफी मदद करता है, क्योंकि बच्चे के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इवैल्यूएशन के जरिए हमारे सामने वो चीजें आ जाती हैं और हम उनका सही समय पर सही निदान कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है वो प्रेरणा के रूप में भी काम करता है, हमारा जो इवैल्यूएशन है वो क्या है प्रेरणा के रूप में काम करता है, प्रेरणा के रूप में भी काम करता है, और साथ ही साथ क्या है गाइडेंस या निर्देशक के रूप में भी काम करता है, निर्देशक के रूप में भी, और साथ ही साथ क्या है बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, उसमें भी क्या है छात्रवृत्ति में भी जो हमारा इवैल्यूएशन है उससे जो छात्रवृत्तियां निर्धारित की जाती हैं कि कौन सा बच्चा छात्रवृत्ति पाने के लायक है, कौन सा व्यक्ति छात्रवृत्ति पाने का जो हकदार है, ये जो छात्रवृत्ति है इसमें छात्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद करता है, निर्धारित करने में सहायक भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि छात्रवृत्ति किस बंदे को मिलनी चाहिए, किस बच्चे को मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, ये चीजें देखिए उसके लिए भी कोई एक विधान बनाया जाता है, कोई नियमावली हम बनाते हैं, तो कौन सा बच्चा किस चीज का हकदार है, ये जो जांच करने क्या है इवैल्यूएशन से ही हमें पता चलता है इस चीज का भी, ठीक है, कि किन व्यक्तियों को छात्रवृत्ति की जरूरत है और किनको नहीं है। निर्देशन में भी अगर हम बात करें तो निर्देशक के रूप में भी ये काम करता है, क्योंकि जो कुछ बच्चों को स्पेशल जो है गाइडेंस की जरूरत होती है और कुछ बच्चों को क्या है नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ा दिया जाए, तो जो बच्चे की योग्यताएं हैं, बच्चे की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया के अंदर सहयोग करें तो उसको उसका ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपका आता है अनुसंधान के लिए भी सामग्री प्रदान करना, अनुसंधान या रिसर्च जिसको हम कहते हैं,
अनुसंधान के लिए, अनुसंधान के लिए सहायक सामग्री प्रदान करना। ठीक है, जो रिसर्च है उसके लिए भी वैल्यूएशन क्या है उसमें भी हमारी सहायता प्रदान करता है कि अनुसंधान के अंदर क्या है, हम जो परीक्षाएं करवाते हैं उन परीक्षाओं के अंदर क्या कमियां हैं, किस तरह से उनके अंदर नए नए टेक्निक्स को, नए नए वैज्ञानिक तरीकों को हम शामिल कर सकते हैं, और शिक्षा जो की जो परीक्षा पद्धति है उसमें हम किस तरह से और ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण संशोधन कर सकते हैं। तो इन कामों में भी क्या है, हमारा जो इवैल्यूएशन है वो हमारी मदद करता है और ये इवैल्यूएशन के मुख्य कार्यों में शामिल किया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करें कि जो आवश्यकता है वो क्या है इवैल्यूएशन की। ये तो थे कार्य, आवश्यकता की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, किसी भी चीज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इवैल्यूएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, हम जो हमारे अप्राप्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो मूल्यांकन की आवश्यकता की बात करें तो जिसमें क्या है, जो शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया है, क्रियाएं हैं, सीखने की जो स्थितियां हैं, जो अनुभव है, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, सभी का प्रत्येक लेवल का मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है कि किस लेवल के बच्चे हैं, उनमें डिफरेंसेस कितना है, और जो है शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, कितने समय के लिए जो है हमें किसी करिकुलम को बच्चे को पढ़ाना है, कितने समय में हमने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना है, और मूल्यांकन के द्वारा उनके विकास से संबंधित अनेक तरह की जो जानकारियां हैं हम हासिल कर सकते हैं, और क्या है इससे जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें आवश्यक सुधार हम कर सकते हैं कि जहां जहां पर हमें कमी लगती है वहां वहां पर क्या है हम मॉडिफिकेशन के द्वारा इवैल्यूएशन को और इवैल्यूएशन के द्वारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हमारे करिकुलम में। और जो करिकुलम इवैल्यूएशन है वो इस तरह से क्या है, एक बहुत ही अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जिसमें क्या है, अध्यापक का पाठ्य पुस्तकों, जो हमारी दस्य सर्वे सामग्री है, योजनाएं हैं, अध्यापक विधियां हैं, और उसके साथ साथ छात्रों से संबंधित सभी कार्यों में क्या है हम जो है इवैल्यूएशन से अनुमान लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा करिकुलम इवैल्यूएशन कंसेप्ट एंड इंपोर्टेंस टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो इवैल्यूएशन का अर्थ किया, इवैल्यूएशन के कार्यों के बारे में पढ़ा, इवैल्यूएशन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।